व्हेन इनलार्जमेंट इन डायमेंशन, वही तो बात है, मतलब जो जब डायमेंशन में वृद्धि टेक्स प्लेस, जब डायमेंशन में वृद्धि होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आज कुछ था कल कुछ हो गया परसों कुछ हो गया, हर दिन कुछ ना कुछ उसका लंबाई चौड़ाई गहराई बढ़ रहा है, वैसे गली को हम एक्टिव गली कहेंगे। ठीक बात है, लेकिन जो इनलार्जमेंट होगा, जो डायमेंशन में जो बढ़ोतरी होगी, वो किस बात पर डिपेंड करेगी? वो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करेगा। सॉइल अगर ज्यादा हार्ड है, ज्यादा स्लो, ज्यादा मुलायम है, तो कितना, तो ज्यादा हार्ड है तो कम बढ़ेगा डायमेंशन, और अगर ज्यादा मुलायम है तो ज्यादा बढ़ेगा डायमेंशन। तो ये दो पॉइंट है। इनएक्टिव गली का मतलब टाइम के साथ नो इनलार्जमेंट, व्हेन इनलार्जमेंट इन डायमेंशन नॉट टेक्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दैट मीन्स डायमेंशन इज कॉन्स्टेंट, देन इट इज कॉल्ड इनएक्टिव गली। ठीक है ना, जब डायमेंशन कॉन्स्टेंट होगा तो इसको इनएक्टिव गली हम कहेंगे, मतलब टाइम के साथ, आज देखिए चाहे कल देखिए चाहे परसों देखिए चाहे 4 दिन के बाद देखिए, डायमेंशन हमेशा कॉन्स्टेंट है तो उसको इनएक्टिव कहेंगे। जनरली इस टाइप का गली रॉकी एरिया में पाया जाता है, पहाड़ी एरिया में, चट्टानी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो हो गए, दो तरह से दो आधार हो गए जिस पर हमने गली का क्लासिफिकेशन किया, पहला शेप का आधार और दूसरा स्टेट मतलब अवस्था, एक्टिव और इनएक्टिव। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ गली, डायमेंशन ऑफ गली मतलब कितना उसकी गहराई है, कितना चौड़ाई है और कितना साइड स्लोप है। ठीक है ना, साइड स्लोप देखिए, अगर गली ऐसे है, ये साइड का स्लोप है ना, ये स्लोपी है, नहीं साइड किनारा, अभी तो कम स्लोपी है, ऐसे कर देंगे ऐसे हो जाएगा तो ये ज्यादा स्लोपी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और गहराई इसको कहते हैं और टॉप विड्थ इसको कहते हैं, इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक की दूरी को। तो देखिए डायमेंशन के आधार पर 4 तरह के गली होते हैं, वेरी स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और डीप, 4 तरह के, याद रखिए आप। इसमें वेरी स्मॉल जो सबसे छोटा है, बहुत छोटा है, उसकी गहराई 3 मीटर से कम और चौड़ाई 18 मीटर से कम या 18 मीटर तक, ये 3 मीटर से कम या 3 मीटर तक। ठीक है ना, पहले इसको तो छोड़िए, पहले इसको देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़िए, तो आपको याद रखना है कि डेप्थ जो है ना एक स्टेज आगे तक कांस्टेंट होता है। देखिए ये जो यहां है यहां पर भी वही है, स्मॉल गली का भी डेप्थ 3 मीटर से कम ही होता है, इसका भी 3 मीटर से कम ही होता है, वेरी स्मॉल और स्मॉल दोनों का डेप्थ 3 से कम होता है। अब अगर यही चीज यहां लिख दिया जाता, ये लेस देन 18 है, लेस देन 18 यहां भी लिख दिया जाता है, तो दोनों में फर्क क्या होता है? इसलिए फर्क तो करना है ना, तो सीधा सीधा क्या कर दीजिए, इसको लेस किए तो इसको ग्रेटर कर दीजिए। ठीक है, याद रखना है ऐसे, ये लेस देन 3 मीटर है, लेस देन 18 मीटर, लेस देन इक्वल टू 3 मीटर, लेस देन इक्वल टू 18 मीटर। अब आगे वाले में भी हमको गहराई लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे हम? तो यहां हम याद रखेंगे कि गहराई तो सेम ही होता है लेकिन टॉप विड्थ इसका वेरी कर जाता है, तो वेरी करेगा, तो ये 18 से कम था या 18 के बराबर था, तो ये क्या हो जाएगा, 18 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए मीडियम गली का 3 से 9 मीटर, इसमें ए दोनों बराबर, इन दोनों में देखिए ए दोनों बराबर, तो इन दोनों में कौन बराबर, ए दोनों बराबर, देख रहे हैं यहां ए दोनों बराबर था, ऐसे यहां पर ए दोनों बराबर है, ऐसे करके याद रखना है। इसके बाद फिर इस वाले में ये 3 से 9 मीटर हो गया, ये ग्रेटर देन 9 मीटर, और इसका चौड़ाई भैरी करते रहता है, कोई कांस्टेंट नहीं होता इसका, इसलिए लिखा हुआ है भैरिंग। अब कोई पूछ देगा साइड स्लोप, तो साइड स्लोप आपको, हालांकि ज्यादा साइड स्लोप लिखना नहीं है, आपको इतना लिखना है गली क्लासिफिकेशन में, यही दो चीज लिखना है, साइड स्लोप पढ़ना रहता है आगे, लेकिन ठीक है, इसका साइड स्लोप कम होता है लेकिन वेरिएबल होता है, इसका फिक्स होता है 8 से 15%,
इसका भी 8 से 15%, ये भी वेरी करता है। तो ए हो गए गली के क्लासिफिकेशन। ठीक है, कोई कोई बुक जो है ना क्लासिफिकेशन को अलग तरीके से लिखता है, ड्रेनेज एरिया के आधार पर लिखता है कि कितने एरिया का पानी एक गली में आ रहा है, यहां पर डेप्थ के आधार पर। यहां पर तो क्लासिफिकेशन का आधार है 3, डायमेंशन, शेप और स्टेट, 3 है, 3 ही पढ़ना है। कहीं कहीं बुक जो है ना और अलग अलग आधार देते हैं और अलग अलग तरीका बताते हैं क्लासिफिकेशन के, लेकिन मेनली यही है। तो ये हो गया कंप्लीट। आगे है गली कंट्रोल मेजर, वो अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, काफी ज्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है, क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कहानी की तरह तो रटना नहीं पड़ेगा, और अगर आप ऐसे ही रटने लगे कहीं से भी क्वेश्चन आंसर ढूंढने लगे तो रटते रटते हालत हो जाएगा खराब। ठीक है, ओके।